नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेठ जी के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फेसबुक शेयर भी करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तब जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है दोस्तों? दोस्तों जो बिजली का बल्ब जो होता है, इसका जो फिलामेंट होता है दोस्तों, किस तत्व से बना होता है? तो यह दोस्तों टंगस्टन से बना होता है दोस्तों। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग दोस्तों ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है दोस्तों? दोस्तों जो ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा होती है, इसका लगभग कितना प्रतिशत जो भाग जो है प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70% होता है दोस्तों। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तड़ित चालक का आविष्कार दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था दोस्तों। दोस्तों ये तड़ित चालक होता क्या दोस्तों? ये जो है दोस्तों आकाशीय बिजली से हमें जो है सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है दोस्तों? दोस्तों मानव शरीर का जो है प्रतिरोध की जो है परिणाम की कोटि क्या है दोस्तों? तो कितनी है दोस्ती दोस्त है दोस्तों? तो यह है दोस्तों 10 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु की उपयोग होता है दोस्तों? दोस्तों विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है दोस्तों? तो किसका उपयोग होता है दोस्तों? यूरेनियम का। एकीकृत पथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है दोस्तों? एकीकृत पथ में दोस्तों जो है प्रयुक्त अर्धचालक की चिप जो है किससे बनी होती है? तो ये दोस्तों सिलिकॉन से बनी होती है दोस्तों। स्थिर विद्युत अपेक्षित का प्रयोग किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है दोस्तों? जो स्थिर अपेक्षित प्रयोग जो है किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है दोस्तों है? तो यह दोस्तों वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है दोस्तों। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की संख्या अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके जो भीतर परमाणुओं की असंख्या अति सूक्ष्म जो संरचनाएं होती हैं उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डोमेन कहा जाता है दोस्तों। ये दोस्तों वेबसाइट वाला डोमेन नहीं है दोस्तों। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है दोस्तों? दोस्तों मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है दोस्तों? तो यह दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा टिकती है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसके बनाने में उपयोग किया जाता है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का जो नियम है के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों किसको बनाने में किया जाता है दोस्तों? जनित्र यानी कि जनरेटर को बनाने में दोस्तों किया जाता है दोस्तों। पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है दोस्तों। पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है दोस्तों? तो यह दोस्तों किस दिशा में विस्तृत होता है दोस्तों? दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों? दोस्तों पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह दोस्तों यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर किस रूप में किया जाता है दोस्तों? मंदक के रूप में किया जाता है दोस्तों। परमाणु बम में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है दोस्तों? परमाणु बम में दोस्तों भारी मात्रा में ऊर्जा किसके निकलती है दोस्तों? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तित होना, ये दोस्तों अंदर जो द्रव्य भरा है उसका जो ऊर्जा में परिवर्तित होने के कारण निकलती है दोस्तों। सेमीकंडक्टर में उसके उपयोग के आधार पर अशुद्धियां
किस लिए मिलाई जाती है दोस्तों? सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर दोस्तों अशुद्धियाँ क्यों मिलाई जाती हैं दोस्तों? उसकी जो है दोस्तों विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है दोस्तों? दोस्तों जब जर्मेनियम की जाली होती है उसमें अगर आर्सेनिक के परमाणु डाले जाए तो वह क्या बन जाता है दोस्तों? तो वह दोस्तों बाहम सेमी कंडक्टर, तो क्या बन जाता है? बाहम सेमी कंडक्टर बन जाता है, यानी कि बाहम अर्धचालक बन जाता है दोस्तों। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है दोस्तों? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो दोस्तों यूरेनियम का उपयोग होता है दोस्तों। इसका उपयोग दोस्तों परमाणु बम बनाने में भी होता है दोस्तों। किसना छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों? दोस्तों जो किसना छिद्र सिद्धांत है दोस्तों इसको जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको दोस्तों यम चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था दोस्तों। दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार दोस्तों किसने किया था दोस्तों? हवाई जहाज का दोस्तों आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स ने किया था दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? नोल और रुस्क ने किया था। किसने किया था? नोल और रुस्क ने। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दोस्तों समुद्र में कोई भी चीज उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार किया जाता है दोस्तों। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है दोस्तों? तो एक दोस्तों उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है दोस्तों? तो यह दोस्तों मापी जाती है तुम्हारे एस्ट्रोबॉक्स। स्टोबोस्कोप द्वारा नापी जाती है। किससे? स्टोबोस्कोप द्वारा नापी जाती है दोस्तों। कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है दोस्तों। ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों? ल्यूमेन दोस्तों ज्योति फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों। पदार्थ के संवेग अपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है दोस्तों? दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो यह दोस्तों द्रव्यमान दोस्तों। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और ऊर्जा रूपांतरण करने के लिए किस किसका उत्पादन होता है दोस्तों? तो किसका उत्पादन होता है दोस्तों? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है दोस्तों? जब दोस्तों दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है दोस्तों क्रीम जो है किसके कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है दोस्तों। जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? जेट इंजन किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो यह दोस्तों रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है दोस्तों। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो यह दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।